सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की खबरें पाएं सबसे पहले। धर्मशाला के पहले ही मैच में भले ही टीम इंडिया के दिग्गज ढेर हो गए हों, भले ही 16 रन पर आती टीम इंडिया पवेलियन पहुंच गई हो, लेकिन टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला जरूर चला। धोनी ने अपनी पारी से दिग्गजों को जरूर बता दिया कि अगर खेलने की चाह है तो आप टिक कर खेल भी सकते हैं। जब धोनी आए थे तो टीम आधी पवेलियन में बैठकर चाय पी रही थी, लेकिन धोनी ने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर टीम को शर्मनाक स्कोर से निकाल दिया। जी हां, 16 रन पर 5 विकेट आउट, 70 पर 8 बल्लेबाज पवेलियन, लेकिन धोनी ने सोचा क्यों ना यहां से आगे बढ़ा जाए और टीम इंडिया को कम से कम 100 रन के पार तो पहुंचाया जाए। एक तरफ लगातार विकेट गिर रहे थे तो दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी अड़कर खड़े हो गए थे। और मैच में एक ऐसा वाक्य आया जब महेंद्र सिंह धोनी को खासा गुस्सा चढ़ गया। दरअसल वो ओवर था 36वां, गेंदबाजी पर थे पथी राणा। जी हां, श्रीलंका के गेंदबाज पथी राणा ने जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी को गेंद डाली तो तीसरी ही गेंद थी ओवर की, महेंद्र सिंह धोनी ने खड़े खड़े इस गेंद को स्टैंड के ऊपर पहुंचा दिया। दर्शकों में जाकर यह गेंद गिरी और इस शॉट ने दिखा दिया कि धोनी में कितना दम बाकी है। धोनी का ये शॉट जिसने भी देखा वो दांतों तले उंगली दबा गया, बहुत ही जबरदस्त शॉट था। अगली गेंद धोनी ने खाली निकाल दी, लेकिन लास्ट गेंद पर धोनी को फिर गुस्सा आया और झन्नाटेदार चौका जड़ दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं धोनी की बल्लेबाजी से दर्शकों का मनोरंजन जरूर हो गया। धोनी ने इस मैच में 65 रनों की शानदार पारी खेली और 87 गेंदों में 10 चौके और 2 शानदार छक्के भी लगाए। और कहा जा सकता है कि धोनी की पारी थी कि टीम इंडिया कम से कम 100 रनों के पार चली गई और टीम इंडिया ने 112 रन जरूर बना लिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यही मिलेंगी।